हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ इंजेक्शन है। ये टॉपिक हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में मेडिकल फील्ड को ज्वाइन किया है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंजेक्शन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं तथा इसे बॉडी में कहाँ दिया जाता है। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर में सुई के माध्यम से दवा को डालना। सुई को एक हॉलो डिवाइस जिसे सिरिंज कहते हैं, उसके माध्यम से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, डिपोर्ट इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन एक्सेट्रा आते हैं। पर अगर इन सब में से सबसे प्रमुख का बात किया जाए तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन और इंट्रावेनस इंजेक्शन सबसे प्रमुख इंजेक्शंस हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दवा को इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी में देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन देने से वो जल्दी ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और दूसरा ये कि वैसा मेडिसिन जो बॉडी के किसी और रूट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है उसे इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप को जानने से पहले चलिए स्किन के लेयर को समझते हैं। स्किन कई लेयर से मिलकर बना होता है, जिनमें सबसे बाहरी यानी ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, उसके बाद के लेयर को डर्मिस लेयर कहते हैं। डर्मिस लेयर वाटर के स्टोर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और विटामिन डी के प्रोडक्शन में सहायता करता है। तीसरा और लास्ट लेयर जो कि स्किन को मसल से अलग करता है, जिसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट लेयर कहा जाता है। इस लेयर में फैट स्टोर रहता है जो कि हमारे बॉडी में हीट कंजर्व करने का काम करता है। तो चलिए अब इंजेक्शन की मेन टाइप को समझ लेते हैं। सबसे पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से मेडिसिन को स्किन और मसल के बीच टिश्यू में दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए छोटी सी सुई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर और 2 से 2.5 ml वाले सिरिंज का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का ही एक एग्जांपल है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को बॉडी में आर्म के ऊपरी एरिया, थाई के बाहरी हिस्से, पेट में नाभि के एरिया को छोड़कर इसके अलावा बटक और हिप के हिस्से में लगाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को जनरली 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मेडिसिन को सीधे पेशेंट में इंजेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए बड़ी नीडल्स ऑलमोस्ट 6 to 8 सेंटीमीटर और 5 से 10 सेंटीमीटर वाले सिरिंज का यूज किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का मकसद यह होता है कि दवा को वैसे मसल्स में दिया जाए जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद हों, ताकि दवा जल्द से जल्द ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मुख्यतः आर्म के डेल्टोइड मसल में, थाई के वेस्टस लिटरलिस मसल में, हिप के वेंट्रोग्लूटियल मसल में, बटक के डोर्सोग्लूटियल मसल में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में निडिल को लगभग 90 डिग्री के एंगल पर स्किन में इंजर्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस वैक्सीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ही डाला जाता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को स्किन की दूसरी लेयर यानी डर्मिस लेयर में दिया जाता है। इस तरह का इंजेक्शन लगभग 5 से 15 डिग्री के एंगल पर एक बहुत ही छोटी सुई के द्वारा लगाया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन से दवा का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम गति में होता है। इस इंजेक्शन में दवा का एब्जॉर्प्शन बाकी इंजेक्शन के मुकाबले बहुत ही कम गति में होता है। इस कारण कुछ दवा इंट्राडर्मल से ही दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का यूज आमतौर पर सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या फिर एलर्जी टेस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इस तरह के इंजेक्शन को सीधे वेन या नस में लगाया जाता है, ताकि दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर सके और इसका जल्द से जल्द असर हो सके। इस तरह के इंजेक्शन के द्वारा उन लोगों को न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं। एंड एट लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।